गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। उस दिन आपको मेरा जो लेटेस्ट ब्लॉग बनाया था ना, वहाँ पे चूहा का मतलब रेड मीट वाइल्ड रेड मीट कैसे बनाते हैं और कैसे बनाते हैं आपको का हम दिखाएगा बोला था ना, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में कैसे खाया जाता है। तो आज बनाने वाला है, टेस्टी से बनाएगा। तो हम लोग भी मतलब हम भी इतना खाते हैं वो क्यों नहीं है, बचपन में जब चौथा था ना, चौथा समय में खाया था, तो इसलिए चौथा का याद फिर से मतलब टेस्ट को फिर से ये ट्राई करेगा कैसे टेस्ट था ना चौथा में, मतलब चौथा में खाते समय में कैसे टेस्ट था, आप कैसे है तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो अभी हम जस्ट बनाने वाला है, किचन जा रहे हैं। तो आप लोग को उस दिन हम बोला था हम ये करेगा, ओके था शेयर करेगा जब बनाएगा ना। तो अभी हम बनाने वाला है, आप लोग को दिखाएगा प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ था, हाँ, तो इसको अभी बनाएगा, मम्मी को एक बार दिखा लेगा। तो इसको अभी कैसे बनाएगा आप लोग को दिखाएगा प्रोसेस। हम लोग का यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर मतलब सब आदमी खाते हैं बोल के नहीं है, 100 में से शायद 80% लोग खाता होगा और 20% लोग मेरा ख्याल से नहीं खाता होगा। तो अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट करेगा कैसे बनाते हैं। तेल गरम कर रहे हैं, इसको पहले ड्राई कर लेगा, क्रंची टाइप का ना ड्राई कर लेगा, उसके बाद में निकाल के थोड़ा ये सब्जी बनाएगा। तो ये वैसे लाल लाल ड्राई कर लेगा, फ्राई कर लेगा, उसके बाद में निकाल के ये पूरा ड्राई फ्राई कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं थोड़ा क्रंची टाइप का हो गया। और फिर उसको फिर से फ्राई करेगा। ये करी पत्ता, हम लोग घर में करी पत्ता बहुत ज़्यादा है, कोई चाहिए तो कमेंट कर दो, आप ले सकते हैं, अवेलेबल है। तो इसको पहले धुला लेंगे, ब्लैक किराए से रख रहे टमेटो नहीं लगाया हमने, ज़्यादा से नॉर्थ ईस्ट का वही वही यूज़ करते हैं थोड़ा टमेटो का, जो सही है टमेटो अभी देख के इतना बढ़ रहा है प्राइस प्राइस जो, तो ऐसे भी हमें कितना खाता भी नहीं है। हम तो कहीं का साथ में फ्राई 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 बहुत टेस्टी होने लगा, मसाला कुछ भी नहीं डाला है, हम लोग मसाला इतना नहीं खाते हैं, हल्दी सिर्फ डाला है, हल्दी या नमक तेल अलावा कुछ भी नहीं डाला है। जो लहसुन है ये अदरक कूट के रखे हैं ना, तो इसको भी डाल देगा साथ में। डालना है कि नहीं डालना है इसको देख लेगा, थोड़ा उबलने देगा तब तक ले। अभी इस साइड हम जा रहे हैं, मेरा मतलब नारियल कोकोनट जच्ची है यहाँ, तो वो लोग आज तोड़ने वाला है तो दिखाएगा। यहाँ में गेट का सामने है दो बड़ा है, दो 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 नारियल पेड़ है, लेकिन एक साइड में नारियल निकला है, एक में नहीं निकला, ये इसमें तो निकला ही नहीं, यहाँ में निकलता है। तो ये जा रहे हैं मेरा हस्बैंड जो कटने के लिए। वाह देखो इतना ज़्यादा गिर गया, और उस तुमको गेट में खड़ा करना पड़ेगा क्या, उससे थोड़ा देख दो हाँ, क्योंकि ये रास्ता है ना इस साइड में, अभी गाड़ी से लग सकते हैं। इसको ये चेंज करना पड़ेगा, अभी नम जाओ। ऐसे देख के इतना आसान से मतलब काट मतलब हो जाएगा सोचते, लेकिन ये इतना तकलीफ है कटने के लिए।
तो मेरा हस्बैंड अभी दुखी से आया था, ऊपरा नहा के, तो अभी वापस उसको नहाना पड़ेगा मेरा ख्याल से। बहुत गंदा हो गया वो भी, ऊपर से पूरा गंदा गिरा है ना। अभी उस साइड कर रहा है ये लोग, तो क्या अभी तक क्या को उतने दो तुम सके क्या था क्या तो क्या सके क्या होगा तो क्या कब से रहेगा तो क्या गिरेगा तो क्या ऐसे करता हूँ सकेगा अभी ये कटने वाला है ये कैमरा दिखने से थोड़ा ही काँप जाता है तो ये पकड़ दो भैया को गिरेगा थोड़ा देख के हाँ होशियार से गरम गरम भी लग रहा है हमको थोड़ा चलो वाव देखो पूरा गिर गया एक बार में हो गया तो हाँ उसको भी काट दो ठीक है ये भी पूरा गिर गया एक बार में हो गया ओ ऊपर में एक तो है लेकिन वो तो नहीं होगा उसको तो चोर दे नहीं भेजते तो तुम देख पा रहे तो हम भी जा रहे हैं भारी है ओह माय गॉड हाथ में पूरा लग रहा है हम भी पूरा काम करके सुबह उठ के ठीक से काम किया इधर उधर ना अपना आंगन घर का आंगन को साफ सफाई किया थोड़ा आज हल्का से थोड़ा दूध फेंक कर निकले तो इसलिए पूरा आंगन साफ सफाई किया फिर नहा के नहा धो के बैठा हुआ था नारियल तोड़ के लाया था और पानी मामी निकाल के रखा है टेस्ट करके देखो तो कैसे ऑर्गेनिक एकदम प्योर ऑर्गेनिक है मीठा होगा हम लोग का यहाँ ठीक ही दिखेगा हमें क्या बोलेगा पता नहीं थोड़ा अपुन का इसे मतलब वैन जैसे वैन टाइप का है क्यों ऐसे आ रहे हैं क्यों ऐसे तेज हो रहा होगा पता नहीं थोड़ा वैन टाइप का है हम नहीं पी सकेगा बहुत मतलब बच्चे से नहीं मतलब नहीं गिरा है ना काफ़ी दिन से ऐसे रखा हुआ था इसलिए शायद इसका ये जो टेस्ट जो अलग से आ रहा है मेरा ख्याल से तो अभी बेटर को लंच निकाल देगा बेटर को खाना निकाल देगा पहले कैंडी लंच का टाइम हो गया अभी लंच निकालेगा हम लोग का हर दिन हम लोग का यहाँ में ऐसे ही निकल के रखते हैं यहाँ से हाँ दाल तो अभी खाना निकालेगा पहले उसके बाद टेस्ट करके दिखाएगा आपको मतलब टेस्ट करेगा और बताएगा आपको कैसे है टेस्ट दिन का लंच स्टार्ट हो गया ये है चूहा मीट और ये है चिकन और ये भिंडी फ्राई हमें यम भी लग पाया दाल नहीं लिया दाल ही निकल दिन का लंच भी खा के कंप्लीट हो गया लेकिन टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था बचपन में खाता था मतलब बहुत छोटा में हम उस समय में खाया था लेकिन उस समय का टेस्ट इतना पता नहीं चला है मतलब अभी मतलब बहुत मज़ा था बढ़िया था इसका उसका मतलब क्या मतलब कौन सा मीट को मतलब
कंपेयर करेगा वो मालूम नहीं, लेकिन अलग से टेस्ट भर जाता है इसका। मैंने बहुत खाया, मेरा पेट भी बहुत काफ़ी निकल गया, बहुत टेस्टी था, बढ़िया था, गजब था, गजब। मैं पूरा अपना आंगन साफ सफाई किया, क्योंकि घर में भी बैठ के बोरिंग लगते हैं ना, तो इधर उधर कुछ काम ढूल के हम कर लेते हैं। हर कोई अपना अपना घर में काम करता होगा, तो ऐसे ही हम सुबह उठ के काम सम कर लिया अपने। तो अभी खाना भी खा लिया, थोड़ा रेस्ट करेगा। मुर्गी देखो हल्का अंडा देता है, यानी अंडा देना उसको हम नीचे ले जाएगा, उसको वहाँ में रख देगा। कहाँ कहाँ वो अंडा देते हैं, हम इतना रेस्ट किए सोचिए, कुछ अलग से गर्म थक गया था आज, हो चलो साफ सफाई की था तो थोड़ा थक गया था, इसलिए हमें काफ़ी सो गया, आराम ज़्यादा कर लिया। अभी शाम का चाय पीगा हम लोग, मतलब हर शाम को चाय, मतलब चाय पीता है, तो हम उस यहाँ में बनाते हैं, अच्छा लगता है ऐसे में बनाने को, बनाने के लिए अलग बहुत है, तो चलो चाय बनाई।